रजौरी अनंतनाग सीट के लिए जिला शुपियान के जैनपुरा इलाके में आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा इलाका था, अगर हम 2019 की बात करेंगे यानी 0% जो परसेंटेज यहाँ पे वोट की शरह रही है, लेकिन आप देख सकते हैं आज सुबह से यानी 6:30 बजे से लोग कतारों में खड़े देख सकते हैं आप, यहाँ पे लंबी कतारें लगी है, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरतें यहाँ पे अपने वोट का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी बदलाव को लेकर यहाँ पे अब लोग वोट डालने निकल रहे हैं। इमाम साहब का इलाका वो ऐसा इलाका था, अगर हम 2019 की बात करेंगे यहाँ पे पूरा बायकॉट हुआ करता था, यहाँ पे 0% वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन आज बात करेंगे इन लोगों से, इनसे जानेंगे आखिर आज वोट डालने का मकसद क्या है और क्यों इतनी बड़ी कतारें नज़र आ रही है। आपसे बात करेंगे, आपका नाम जनाब, आपसे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर पहले सबसे पहले हमने बात किया कि महंगाई को लेकर ये बात कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम अपना वोट यहाँ पे डालने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल अगर ये यूँ कहा जाए कि कई लोगों ने ये बताया कि अभी तक पहला वोट यानी कि पहला वोट भी नहीं डाला गया, आधे घंटे से यहाँ पे लाइन लगी है, तो अंदर जो है कुछ लोग अंदर जा चुके हैं कि सिस्टम शायद सिस्टम तो कुछ टाइम हुआ दिन कुछ घंटे प्यार शायद सर आपसे आपसे बात करेंगे सर तो क्या बता रहे हैं सर मशीन की खराबी है तो अभी हम पहले ही पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुके और यहाँ पे वोटर्स का कहना है कि 1.25 घंटे से ये लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर क्या है, अंदर शायद मशीन खराब है, इनका ये कहना है। अब देखना ये है कि ये लाइन कितनी लंबी होती जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे लोग खुलकर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं औरतें भी एक तरफ लगी है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर लोग चाहते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।